नमस्कार दोस्तों, आज मैं एस जयशंकर साहब के बारे में बात करना चाहूँगा। कुछ साल पहले, मेरे ख्याल में 2 या 3 साल हो गए हैं, कोविड के समय की बात है, उस समय जब एस जयशंकर ने विदेश मंत्री के तौर पर बहुत बढ़िया काम किया था, कोविड के दौरान दूसरे देशों के लिए साथ तालमेल बनाना, कहाँ से क्या सामान मंगवाना है, किस कंट्री से हमें क्या सहायता मिल सकती है, किस देश से कौन सा मेडिकल इक्विपमेंट हमको सस्ता मिल सकता है, कहाँ पर अवेलेबल है, उस समय तो बड़ी मारामारी थी, बहुत खराब हालत थी। और एस जयशंकर अपने दफ्तर में बैठ जाते थे और उसके बाद दिन भर फोन करने का सिलसिला उनका जारी रहता था। आपको स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एक्टिव नजर आते थे, लेकिन एस जयशंकर क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि उस समय तो विदेश यात्राएं सब बंद थी, एस जयशंकर क्या काम कर रहे हैं, इसी के आधार पर मैंने वो वीडियो बनाया था। और मैंने उस समय एक बात और भी कह दी थी, हालांकि बहुत बड़ा बोल दिया था, बहुत सारे लोग उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, कि आने वाले समय में अगर कोई देश को बेटर प्राइम मिनिस्टर के रूप में मैं किसी को देखता हूं, जो बिल्कुल थॉट जिसके बिल्कुल क्लियर है, तो एस जयशंकर भी हो सकते हैं। आज भी मैं अपनी उस बात पर अडिग हूं, जितनी क्लियरिटी उनके दिमाग में सब चीजों को लेकर है, उतनी किसी के दिमाग में नहीं है। और विदेश नीति को जिस तरीके से 360 डिग्री का टर्न इन्होंने दिया है, वो तो कमाल का है। हालांकि विदेश नीति पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमेशा बढ़िया ही काम किया है, सुषमा स्वराज के समय भी बढ़िया था, उस समय ये विदेश सचिव हुआ करते थे एस जयशंकर, और बाद में जब सुषमा स्वराज का निधन हो गया तो यह तय किया गया कि एस जयशंकर को राजनीति में लाया जाए। ये रिटायर हो चुके थे और शायद किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे, टाटा या किसी अन्य फर्म में, और फिर उसके बाद इनको सीधे शपथ दिलवाई गई थी 2019 में, और उसके बाद से आप जानते हैं कि 5 साल से लगातार विदेश मंत्री हैं। और कई महत्वपूर्ण मौकों पर, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे बांग्लादेश का मामला हो, चाहे पाकिस्तान का मामला हो, चाहे चाइना का मामला हो, पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी इन्होंने बड़ी स्पष्ट ओपिनियन अपनी रखी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज अचानक इस पर क्यों बात करने लगा। देखिए, इसके लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं की है। आज अचानक यूं ही मैं एक कार्यक्रम देख रहा था, शुक्रवार को एक कार्यक्रम हुआ था, एक बुक लॉन्च का कार्यक्रम था, उस बुक लॉन्च के कार्यक्रम में गए हुए थे एस जयशंकर, और एस जयशंकर उस बुक लॉन्च का जो कार्यक्रम था वो एक पूर्व डिप्लोमेट है राजीव सीकरी, उनके द्वारा लिखी गई एक किताब है, उसका बुक लॉन्च था, उसमें आज वो बोल रहे थे, और मुझे बहुत ही बेहतरीन उनका आज बोलने का वहां पर अंदाज लगा। मैं आपको कुछ चीजें उनकी दिखाता भी हूं, जो उन्होंने वहां पर आज बुक लॉन्च की जो झलकियां हैं वो भी निश्चित रूप से आपको दिखाता हूं। और ये राजीव सीकरी हैं, और इन्होंने ये भी बताया एस जयशंकर ने कि जिस समय ये विदेश मंत्रालय में आए तो राजीव सीकरी ऑलरेडी वहां पर मौजूद थे, और बाद में जो है वो उनके सीनियर थे। और ये जो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन है, वहां पर आज ये बुक लॉन्च का कार्यक्रम था जिसमें एस जयशंकर मुख्य अतिथि के रूप में बोले। इसकी एक वीडियो क्लिप बड़ी वायरल हुई जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कुछ बात कही है। अब देखिए, पाकिस्तान के बारे में अगर एस जयशंकर बोलेंगे तो उसकी वीडियो क्लिप वायरल होनी ही है। उसमें इन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तान को लेकर हमारी रणनीति पूरी तरीके से स्पष्ट है, और हम ये तय कर चुके हैं कि हमें क्या करना है, और पाकिस्तान के साथ हमने ये भी तय कर लिया है कि अब हम पाकिस्तान के साथ अनइंटरप्टेड डायलॉग बंद कर रहे हैं, वो दौर खत्म हो चुका है। मैं आपको इनका ये वीडियो सुनवाता हूं। इट्स ओवर। एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, एंड इन सो फार एज जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न्ड, आई थिंक 370 इज डन। So, the issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. Rajiv suggests that perhaps India is content to continue at the current level of relationship. Maybe yes, maybe no. What I do want to say is we are not passive, and whether events take a positive or a negative direction, either way, we will react to it.
इसमें इन्होंने ये भी कहा कि जैसी परिस्थितियां होंगी इसके हिसाब से रिएक्ट किया जाएगा। सो लेट मी से दिस, आई थिंक द इरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तान इज ओवर। एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस एंड इन सो फार एज जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न, आई थिंक 370 इज डन। सो इन्होंने इस किताब में राजीव सीकरी ने हर देश के साथ जो भारत की रिलेशनशिप है उसके बारे में दो दो शब्द बोले। इन्होंने पाकिस्तान के बारे में साफ तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान के साथ निर्बाध बातचीत का, अनइंटरप्टेड बातचीत का जो दौर है वो तो खत्म हो चुका। जो घटनाएं होती हैं उनके कॉन्सिक्वेंसिस होते हैं और पाकिस्तान को भी इसका फेस करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में 370 खत्म की जा चुकी है, ये अब एक हिस्ट्री बन चुकी है। और हम ऐसा नहीं है कि हम पैसिव हैं बहुत ज्यादा, अगर परिस्थितियां बदलेंगी तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान के बारे में बड़ा स्पष्ट ओपिनियन दी कि अमेरिका जब तक अफगानिस्तान में था वो अफगानिस्तान कुछ और था, और जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा है वो अफगानिस्तान और है, तो हम दूसरे तरीके से उसको देखते हैं। वैसे मैं बताऊं, अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो आज दिल्ली में थी, नोएडा में थी, और वो यहां पर एक नोएडा में स्टेडियम है वहां पर एक मैच भी खेलने वाली है। आज वो नमाज पढ़ने के लिए नोएडा की एक मस्जिद में भी गए थे। ये खास तौर से मैं आपको बता दूं, एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा हूं आपको। तो उन्होंने ये कहा कि हम घटनाक्रम के हिसाब से रणनीति नहीं बनाते। अब देखिए क्या होता है कि हमने, इन्होंने बताया कि हमने मालदीव को लेकर एक पॉलिसी बनाई, लेकिन मालदीव में अगर राजनीतिक वहां का जो हालात है वो अगर चेंज हो गए तो हम अपनी पॉलिसी नहीं बदलते, हमारी पॉलिसी वही रहती है। फिर उसके बाद हम उसको रिव्यू करते हैं कि जो नया राजनीतिक सेटअप वहां पर आया है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी विदेश नीति को रिकंस्ट्रक्ट करना है। ऐसे उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश में हालात अचानक खराब हुए, प्रधानमंत्री वहां की आई, हमारे यहां शरण ले ली उन्होंने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जो हमारे संबंध थे, ऐसा हमारा कोई रिलेशन नहीं था कि हम वहां के प्रधानमंत्री को यहां नहीं रख सकते। दूसरे हमारी उनसे डील्स थी कुछ, जैसे कि भारत उनको लगातार बिजली की सप्लाई जारी रखता है, हमने बिजली की सप्लाई जारी रखी। तो हम उन चीजों को बदलते नहीं हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने रिलेशंस को कंटिन्यू करें, जो पहले थे वो ही किया जाए। अब उन्होंने कहा कि हम कई और पड़ोसी देशों के बारे में भी कहा, भूटान वगैरह सब पर बोले वो। उन्होंने कहा किसी को खाने की कमी है, फूड का क्राइसिस है, हम सहायता करते हैं। उन्होंने कहा कि नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी पहली, पहले है कि जो हमारा पड़ोसी है वो हमारे लिए पहले है, ये पॉलिसी हम लगातार अपनाते हैं। कहीं पर वैक्सीन की आवश्यकता हुई हमने वैक्सीन भी दिया, मुफ्त वैक्सीन दिया। किसी को वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ी, जैसे श्रीलंका को पड़ी थी, वित्तीय सहायता की जरूरत थी तो दी, नेपाल को भी दी, सबको दी। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी जो नीति है वो हम बार बार नहीं बदलते, हम हालात के हिसाब से जो जो परिस्थितियां, जो जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसके हिसाब से उसे एडजस्ट करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते रहते हैं। ऐसे उन्होंने अमेरिका के बारे में भी कहा कि अमेरिका के साथ पहले हमारी रणनीति कुछ और थी, आज कुछ और है। जैसे रूस के बारे में उन्होंने कहा कि रूस 2022 से पहले वाला रूस पूरी दुनिया के साथ जिस तरीके से बिहेव करता था आज उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है। उन्होंने शायद यूक्रेन वार के संदर्भ में यह बात कही थी कि हम रूस के साथ हमारे शायद पहले से भी और अधिक प्रगाढ़ संबंध है, यूक्रेन से भी संबंध है, फ्रांस से भी, जर्मनी, ब्रिटेन सबसे हैं हमारे संबंध। उन्होंने कहा कि अगर मैं हर देश के संबंध को अपने डिफाइन करने लगूंगा तो बहुत समय लग सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे संबंध इन कंट्रीज से बढ़िया है, सभी से बढ़िया है, और हम अपना राष्ट्रहित पहले सोचते हैं, हमें जिस चीज में फायदा लगता है हम वो करते हैं। हम ये नहीं है कि हम किसी रणनीति पर अड़कर बैठ गए हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे ख्याल में उनका यही कहना था कि अगर हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं होती तो शायद हम किसी को वैक्सीन फ्री नहीं दे पाते, लेकिन आज हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी, लार्ज और ओपन है कि हमें कई देशों को वैक्सीन देनी पड़ी, कुछ लोगों को उधार देनी पड़ी, किसी को मुफ्त देनी पड़ी। और हमने इसे सामाजिक रूप से भी देखा कि मुसीबत का समय है, हमें अपने पड़ोसियों की या फिर दूसरे जो राष्ट्र हैं, छोटे छोटे राष्ट्र हैं कई, जिनके पास वैक्सीन डेवलप करने का, विकसित करने का समय नहीं था या उनके पास उतने संसाधन नहीं थे, तो उनकी सहायता करना भी हमारा फर्ज बनता है। तो हम वो सब कुछ कर रहे हैं।
आज इस कार्यक्रम में उन्होंने बड़ा संभल कर बहुत ही संतुलित बातें कही हैं। वैसे तो YouTube पर इनका पूरा स्पीच आपको एस जयशंकर के YouTube चैनल पर भी मिल जाएगा, पूरे का विश्लेषण नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि एस जयशंकर जैसे जो ब्रेन है वो अब तक कहां थे। मोदी जी, ऐसे ब्रेन्स की हमें आवश्यकता है, और जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हों, जैसे विदेश मंत्री के पद पर एक एम्बेसडर पूर्व डिप्लोमेट से बेहतर कौन हो सकता है। इसी तरीके से अन्य क्षेत्रों के भी एक्सपर्ट एक्सप्लोर किए जाने चाहिए और उन्हें मौका मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि एस जयशंकर ने आज अपनी स्पीच में कई बातों को स्पष्ट कर दिया है। मालदीव के मुद्दे पर वो उतना खुलकर नहीं बोले क्योंकि मालदीव ने अपने संबंध काफी बदले हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो दुनिया की बड़ी ताकत होती हैं उनके पास हमेशा एजेंडा होता है, तो सबके पास अपना अपना एजेंडा है। उन्होंने भारत का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनका कहने का मतलब यही था कि भारत भी एक बड़ी ताकत है दुनिया की, और उसका एक अपना एजेंडा है और उसको हम फॉलो करते हैं। तो एस जयशंकर जी, आपको सैल्यूट, सलाम, नमस्कार। आपने गजब की बात कही है और हमें बड़ा गर्व है कि आप जैसा विदेश मंत्री हमें मिला। और मेरा मानना है कि आजादी के बाद से आज तक जितने भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हुए हैं, यू आर द बेस्ट। आज के वीडियो में इतना ही। एस जयशंकर जी के बारे में आपसे बात करने का मन था, इसलिए सोचा कि बात तो जरूर करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।